युगो युगो से चल रहा है मेल, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल। ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल, आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष आज का राशिफल बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं 10 वर्ष की आयु से ही अपने पूजनीय पिताश्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको सावधान रहना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 1 फरवरी 2020 माघ मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज सप्तमी तिथि शाम 6:10 तक रहेगी और उसके पश्चात अष्टमी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से लेकर 12:56 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 9:52 से लेकर 11:14 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। प्रिय भक्तगणों, यदि आप में से किसी ने भी हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबा के हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं और हमारी इन वीडियोस को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कर्क यानी कि कैंसर राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। यदि स्टूडेंट्स आज रात को कोई लेसन पढ़ते हैं तो वह उन्हें याद नहीं रहेगा और उनकी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी, इसलिए मेरी आज स्टूडेंट्स को ये एडवाइस है कि आप दिन में ही पढ़ाई करें। वैसे भी शास्त्रों में कहा गया है कि प्रातः काल उठकर पवित्र होकर किया गया अध्ययन सर्वोत्तम है। यदि स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि वे लगातार ऐसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं कि जो भी वे पढ़ते हैं उन्हें याद नहीं रहता है और एग्जाम में भी उनके नंबर कम आते हैं तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और गुरु रजनीश ऋषि जी या गुरु मां रुक्मणी द्वारा अपनी कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे आपकी कंसंट्रेशन पावर में वृद्धि होगी और विद्या अर्जित करने के लिए की गई मेहनत सदैव रंग लाएगी। प्रिय भक्तों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करके गुरु रजनीश ऋषि जी से या गुरु मां रुक्मणी से या मुझसे वीडियो कंसल्टेशन या फोन कॉल कंसल्टेशन के माध्यम से अपनी समस्या के लिए उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यज्ञों महायज्ञों के आयोजन करने में, हर मंगलवार और हर शनिवार को प्रसाद वितरण करने में और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करने में उपयोग में आती है और आप सभी एग्जाम्स में मनवांछित नंबर लेकर आएंगे। आज आपको अतिथि सत्कार का मौका मिलेगा और आपके अतिथि आपकी आवभगत से प्रसन्न रहेंगे। आज सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आज काले कुत्ते को रोटी खिलाना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। कर्क राशि वालों, अगर आप अपने व्यापार में आ रही अड़चनों को दूर करना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित मूंगे की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं
वह चमत्कारी उपाय जिसे करके आज किसी भी राशि का कोई भी जातक मन चाहत जीवन साथी प्राप्त कर सकता है। आज आप प्रातः काल उठकर पवित्र होकर अपने घर में एक केले का पेड़ छोटे गमले में लगाएं। इसके बाद आप उस पेड़ की पूजा धूप दीप दिखाकर करें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। मैं आपके लिए इस मंत्र को दोबारा दोहरा रहा हूं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इसके बाद आप आज से शुरुआत करके नित्य ही केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं। यदि आप आज इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी मनचाही जीवन साथी की तलाश जल्द से जल्द पूरी होगी। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। मेरा नाम जमनजय सिंह, मैं सियालबाग से आया हूँ। गुरु माँ ने मुझे यह अंगूठी पहनाई थी, मैंने यह अंगूठी पहना, मुझे काफ़ी बहुत फर्क मिला है। मेरे को काम धाम में भी बहुत इसमें बहुत मदद मिला। मेरा मन बहुत साफ है, क्लियर रहता है, अभी टेंशन भी नहीं रहती है इस चीज़ में। पहले 6-7 महीने पहले आया था, मेरा कुछ प्रॉब्लम था अपना घरेलू, तो मैंने गुरु माँ से कुछ सलाह बोला था इस चीज़ के बारे में। फिर मैं इसलिए दोबारा आया हूँ, मुझे और कुछ बाकी था मेरा अंगूठी लेना है, इसी बात के लिए मैं आया हूँ दोबारा। और लोगों को मैं से यही कहना चाहता हूँ, आप भी विश्वास कीजिए, आप आइए गुरु जी के यहाँ, गुरु माँ के यहाँ पे आके आप अपना जो भी परेशानी है बताइए, उसका समाधान होगा जरूर 100%। विश्वास करने से विश्वास होगा, आप विश्वास कीजिए। हमारे वेदों पुराणों धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।